यहाँ से निकल लेता हूँ मैं बाजार के लिए। वॉच की कटिंग कर दोगे? अच्छा मार्केट है वैसे। सो अभी मैं रेडी हो गया हूँ नहा धो के, और थोड़ा ये कमरे की सजावट करनी है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी मैंने ये मंदिर यहाँ पे लगा दिया है, जो मंदिर दिया था, बैक कैमरे से दिखाऊंगा आपको। और कुछ फ्रेम है जो मतलब मुझे कमरे में फिट करने हैं, तो इधर उधर लगा के और जहाँ पे भी जगह है उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाइस अभी मैं रेडी हो जाता हूँ, और फिर मुझे लानी है अभी शाम को मिठाई, यानी कि लक्ष्मी पूजा है उसके लिए, और क्या क्या तैयारी करूँगा तो वो सारा मैं आपको बताऊँगा। सो गाइस अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और निकल लेता हूँ। माता और दादी जा गई आज, बाकी यहाँ पे अभी वीडियो लगा रहे फ्रेंड। मैं अभी पूरा तैयार हूँ और निकल लेता हूँ मार्केट के लिए, तो आज मैं गाड़ी लेके जाऊंगा। चलिए मार्केट की तरफ चल लेते हैं और सबसे पहले तेल भरा लेता हूँ, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम है। तो वेलकम टू माय सिंहनगर गढ़वाल गाइस, सेकंड ब्लॉक। आज क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है, देखिए साढ़ आ गया था एकदम से। चलिए भाई यहाँ से पेट्रोल पम्प थोड़ा सा ही है वैसे। दिवाली है तो सारे लोग घर चले गए, गूगल पे है तो गूगल पे से मैं मिठाई दे सकता हूँ। मिठाई मुझे छोटे वाले 10 रुपये देने हैं। दो जगह कर दो, आधा आधा किलो। यहाँ से निकल लेता हूँ मैं बाजार के लिए। ड्रिल मशीन के पेच, अच्छा मार्केट है वैसे। भाई जी कैसे हैं? ठीक ठाक। एक छोटा सा माच है था बच्चों वाला। मैंने एक मास्क, वॉच की कटिंग कर दोगे? कहाँ पे होगी भैया जी? वॉच की कटिंग हो जाएगी, और हैप्पी दिवाली आपको। मैंने कहा वॉच की कटिंग हो जाएगी। मौसी के घर पे आया हूँ मैं कुछ काम से, तो मार्केट में सारे चीज़ें मैंने लगभग खरीदी हुई, और एक दो चीज़ें हैं जो लेके जाना है मुझे। नमस्ते, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। और जैसे मैं कैमरा लेके आता हूँ तो हमारी प्यारी बहन छुपने लग जाती है, और पर्दे के पीछे एक लड़की छुपी है। देखिए आप सामने कैमरा ले जाता हूँ अभी। और हैप्पी दिवाली आप। इसके बाद मैं निकल लेता हूँ घर की तरफ, और लगभग ख़रीदारी हो ही गई है। श्रीनगर का पार्क है वो मैं आपको दिखा लेता हूँ। वैसे मेरे को घर से कॉल आ रहा है कि खाना खाने के लिए टाइम पे आ जाओ, और टाइम पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक छोटा सा जैन मंदिर देखने को मिलता है, दिगंबर जैन मंदिर यहाँ पर है। ये दो संप्रदाय है जैन धर्म के, श्वेतांबर और दिगंबर। तो नदी जो है काफ़ी ज़्यादा सूख गई है, परसों तक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था वैसे।
पूरा अंदर का जो एरिया है यहीं से पानी आपका आता है, और फ्लोइंग ऊपर डैम है आपका, तो वहीं से पानी छूट के इसके अंदर ही अंदर आपका चौरास होके नैथना होके यहाँ से पानी को छोड़ा जाता है। शिरकोट दिख रहा है यहाँ से सामने, सामने चौरास का पुल हो गया आपका। तो यहाँ से मैं निकल लेता हूँ घर की तरफ, क्योंकि घर से भी कॉल आ रहा है खाना खाने के लिए। छोटा सा पार्क है ये, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जैन मंदिर है इस साइड। अरे बिल्कुल यार, क्या आ रहा है? सांड तो नहीं है? बस सांड तो नहीं है, खड़ी। सूरज भी मैंने घर के अंदर एंटर कर लिया, और अब इसके बाद क्या क्या काम होने वाला है सारा मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं फ्रेम टांगूंगा, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। दो मैंने यहाँ पे टांगे और एक दो वहाँ पे टांग लेता हूँ। फिर ये होगा कि वहाँ पे तो पता नहीं साइज आता कि नहीं आता है, बाकी यहाँ पे मैंने मंदिर लगाया है। सो गाइस, अभी मैंने फ्रेम भी लगा लिए है और कमरे में लाइट वगैरह भी लगा दी है, तो देखते हैं कैसे लग रहा है। मैं आपको बैक कैमरा, पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। दीपक वगैरह जला रहे हैं, मतलब हमने जला ही दिए लगभग। भाई को मंत्र आता था, भाई बोल गए मंत्र पढ़ना। कितना सिखाया मैंने आप। श्री गणेश भगवान जी की, लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। तो अभी छत में चल लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से सीन देखने को मिलते हैं, और थोड़ा बहुत पटाखे हैं हमें जला लेते हैं एंजॉय के लिए। चलिए, सीन्स जो होंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि अभी रात का समय है तो आपको पटाखे देंगे। सामने आ रहा जो